वो है लेजेंडरी बाइक कावासाकी निंजा 300 की मॉडिफिकेशन, बेसिक मॉडिफिकेशन। पहले वाली केसिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि अड़ रही थी फेरिंग वगैरह से? तो अलग है और केसिंग से, ठीक है। पहले की जो केसिंग आती थी सिर्फ यहाँ से फिट होती थी 2 बोल्टों पे, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक होती थी प्लेट, ठीक है, वो हिलती थी, ठीक है। लेकिन जो आपकी केसिंग है ना, यहाँ से लेके डायरेक्ट पीछे चेंजेस में कनेक्ट है। तो ये भी सबसे हैवी वाला स्लाइडर है, तो ये बनेगा एक कंप्लीट सेटअप प्रोटेक्शन का, बाइक का भी और आपका भी। देख सकते हो कैसा लुक आ रहा है और इसको लगा के देख सकते हो। अलावा नाइटा लगा रहे हैं और नाइटा ही कार में यूज करते हैं लोग, तो बाइक में बताने की जरूरत नहीं है इसका फोकस कैसा होगा। क्लच एंड लीवर से ये डैमेज होता है, कहीं बाइक गिर जाती है तो यहाँ लगेंगे इस तरीके से। और एक मोबाइल होल्डर है सिमटेक का, वारंटी कार्ड वगैरह मिलता है। सबसे पहले ये हो गया आपका प्रोडक्ट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मैं ले आपके लिए कौन ऑफ वीडियो, कौन है टॉपिक। मेरा नाम सिकंदर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एसकेडी बाइक। आज के सिनेरियो में टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है लेजेंडरी बाइक कावासाकी निंजा 300 की मॉडिफिकेशन, बेसिक मॉडिफिकेशन। क्या है बेसिक मॉडिफिकेशन जो आपको कराना चाहिए बाइक लेने के बाद सबसे पहले दोस्तों? तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा केसिंग, केसिंग के बारे में जरा दिखाते बताओ कि पहले वाली केसिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि अड़ रही थी फेरिंग वगैरह से, तो उसके बारे में बताओ और थोड़ा क्लियर करो। ये जो केसिंग है ना भाई, ये केसिंग अलग है और केसिंग से, ठीक है। पहले की जो केसिंग आती थी सिर्फ यहाँ से फिट होती थी 2 बोल्टों पे, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक होती थी प्लेट, ठीक है, वो हिलती थी, ठीक है। लेकिन जो आपकी केसिंग है ना, यहाँ से लेके डायरेक्ट पीछे चेंजेस में कनेक्ट है, ठीक है, पूरी रोड। जो इसके अंदर ये है कि अभी टाइट भी नहीं किया और हिल भी नहीं रहा, समझ लो। और इसके ऊपर आप कोई भी स्लाइडर लगा सकते हैं। तो ये स्लाइडर की बात करूँ तो ये भी सबसे हैवी वाला स्लाइडर है। कलर वगैरह जो आप चाहोगे मिल जाएंगे, अब इसके ऊपर लग जाएगा फेयरिंग लगेगा पहले और उसके बाद इस पर लगेगा स्लाइडर। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं केसिंग की। जिन लोग खाली स्लाइडर लगवा रहे हैं ना, तो खाली स्लाइडर से देखो सेफ्टी तो है लेकिन 100% नहीं है, कुछ परसेंट है। बाकी इसको लगाकर फिर जब आप ये लगाओगे ना, तो ये बनेगा एक कंप्लीट सेटअप प्रोटेक्शन का, बाइक का भी और आपका भी दोस्तों। तो ये हो गया। इसके अलावा एक विंगलेट जो काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है, ये आगे की साइड में लगती है कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर यहाँ लगेगी, अब आप ऐसे देख सकते हो कैसा लुक आ रहा है और इसको लगा के देख सकते हो। इसको ब्लैक इसलिए लिया ताकि कंट्रास्ट बने, ग्रे लगाएंगे तो इतनी हाईलाइट नहीं होगी, तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा नाइटा लगा रहे हैं और नाइटा ही कार में यूज़ करते हैं लोग, तो बाइक में बताने की जरूरत नहीं है इसका फोकस कैसा होगा। और इसके अलावा जैसे कि लीवर गार्ड्स हो गए, जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा आपको, जो आपके क्लच एंड लीवर से ये डैमेज होते कहीं बाइक गिर जाती है तो यहाँ लगेंगे इस तरीके से। कार्बन फिनिश में है, काफ़ी अच्छा है ये भी। और एक मोबाइल होल्डर है सिमटेक का, जिसमें आपको गारंटी मिल जाती है, कभी ख़राब तो होता नहीं है। और साथ ही में से आपको पूरा जो है एक वारंटी कार्ड वगैरह मिलता है। सबसे पहले इसको भर के दिया जाएगा, फ्यूचर में कभी भी ख़राब होता तो आप नया ले जा सकते हो। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। और इसके अंदर आ गया सारा कनेक्शंस वगैरह, इसके वायरिंग वगैरह, इसके माउंट्स वगैरह, तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा सिमटेक का हैजार्ड है, सिमटेक के LED बल्ब्स है, इनमें भी आपको कार्ड मिलेंगे, इनमें भी आपको गारंटी मिल जाती है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें भी इसमें लगाने वाले हैं। और स्लाइडर मैंने आपको दिखा दिया, बाकी टैंक पैड और थाई पैड इस तरीके से और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन के मिल जाएंगे। तो अभी क्या है, ये अनकम्प्लीट है, इसे कम्प्लीट करता हूँ, फिर फाइनल में जो भी चीज़ें ऐड ऑन रहेंगी वो आपको दिखाऊंगा मैं। दोस्तों जो मॉडिफिकेशन हो चुकी है कंप्लीट, जितनी भी मैंने आपको एक्सेसरीज दिखाई थी, एड ऑन होने के बाद जो लुक आया वो काफ़ी बेसिक सा है बट काफ़ी नीडफुल मॉडिफिकेशन। अगर आप लोगों के पास भी निंजा 300 है, 400 है, 650 है, तो आप उस पर ये सब चीज़ें करा सकते हो गाइस। तो जैसा कि आप अगर आप देखोगे यहाँ से, सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करूँगा मैं लीवर गार्ड से। तो ये लीवर गार्ड है जिसकी कार्बन फिनिश के साथ में, कलर इसमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं, CNC में है, ये प्लास्टिक के नहीं होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है लग रहा हो, बाकी जिन्हें पता है उन्हें तो पता ही है। और जैसे कि आपको बनावट से पता चल रहा है, जैसे कि मान लो बाइक गिर जाती है आपकी इस साइड या इस साइड, तो ये आपके जो लीवर्स वगैरह ना इसको डैमेज नहीं होने देती। और जो ये वाला पार्ट होता है, ये होता है जैसे आप बहुत ज़्यादा भीड़ में बाइक चला रहे हो तो उसमें क्या होता है, आपके ब्रेक और आपके क्लच दब जाते हैं पब्लिक से, तो वो चीज़ इस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए होती है गाइस। तो एक चीज़ हो गई। अब आप यहाँ पर आओगे तो सिमटेक का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोबाइल होल्डर, और ये मोबाइल होल्डर एक्चुअली क्या है, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है जैसे कि आप देख ही रहे हो। तो इसके अलावा इसमें क्या है, इसमें चार्जर वगैरह भी आपको साथ में मिल जाता है, यहाँ से आपको USB केबल लगानी है, दैट्स इट। बाकी जिन लोगों को इसमें विदाउट जो है वायरिंग के चार्ज करना है, यानी कि वायरलेस तरीके से, तो उसका अलग मोबाइल होल्डर आता है, वो भी मिल जाएगा। और काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये भी। और एक्स्ट्रा ग्रिपिंग के लिए यहाँ पर रबड़ भी दे रखी होती है, जिससे आप अपने फ़ोन पे इस तरीके से चढ़ा सकते हैं। अब आएंगे यहाँ पर टैंक पैड एंड थाई पैड पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें लुक जो कार्बन फिनिश के साथ है, ये कार्बन यहाँ पर कार्बन और ये कार्बन, और काफ़ी ज़्यादा ग्रीन पे हाईलाइट हो रहा है, ग्रीन कलर का इसलिए लगाया, वो दिखता नहीं है इतना। और ये जो है एक लुक को भी एनहेंस करेगा, सेफ्टी भी करेगा। थाई पैड्स आप देख सकते हो ग्रिपिंग डॉट वाली है जो कि काफ़ी अच्छा इस पर रहता है, एक डिज़ाइनिंग वगैरह भी देख सकते हो, बाकी और काफ़ी सारे ऑप्शन अपने पास मिल जाएंगे।
तो यहाँ तक तो होगी बात आपकी, आगे विंगलेट के बारे में बताओ जरा। तो ये हो गई आपकी विंगलेट जो कि स्पोर्टी लुक देने के लिए होती है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से जो डिज़ाइनिंग से पता चल रहा है भाई बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखो कलर वगैरह जो आप चाहो वो ले सकते हो, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। इसकी आइज़ के अंदर, हेडलाइट के अंदर दो नाइट आई लगा रखे हैं। नाइट आई जो है वो एक अपने आप में काफ़ी फोकस देने वाली हेडलाइट का बल्ब होता है। बाकी गाइस इसका फोकस अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो ये इसका लो बीम एंड हाई बीम रहता है। और इसके अलावा इसमें सिमटेक का हजार लगा रखा है और एलईडी बल्ब जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये देख सकते हो इसके अंदर एलईडी बल्ब है। एक बार इसको ऑन करना, अब नॉर्मल इंडिकेटर दो। अब आप इसका फोकस देख लो दिन में, क्योंकि अभी रात नहीं है भाई। रात में काफ़ी ज़्यादा इसका फोकस है और काफ़ी ज़्यादा इसका जो टाइमिंग होती है ना, हजार एक्टिवेट करने के लिए जैसे आपको चारों इंडिकेटर ऐसा जलाने हैं। तो ये जो आपका इंडिकेटर वाला स्विच है इसको लेफ्ट राइट बीच प्रेस यानी कि दाएं बाएं बीच में दबाना है, लेकिन फास्ट फास्ट। ये देखो जैसे कि इसका पैटर्न एक्टिवेट हो चुका है और इसी तरीके से इसमें काफ़ी सारे पैटर्न मिलेंगे। कितने पैटर्न हैं इसमें? ऐसे पैटर्न मिलेंगे करीब 25 से 30 पैटर्न इसमें आपको मिल जाते हैं। और जो पैटर्न आपको पसंद आ गया है, आपको बार बार नहीं करना है दाएं बाएं, तो एक बार और प्रेस कर दो आप, दैट्स इट। अब ये पैटर्न आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब चाबी अगर आप ऑफ भी कर दोगे ना, इग्निशन ऑन करो या ऑफ करो, आपका पैटर्न यही सेलेक्ट रहेगा। बाकी आपको नॉर्मल इंडिकेटर देना है तो सिंपली इंडिकेटर दो किसी का भी, हैजार्ड ऑटोमेटिकली बंद और आपका इंडिकेटर चालू, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर आप देखो केसिंग और स्लाइडर्स। केसिंग इसके अंदर एड ऑन हो चुकी है जो मैंने आपको दिखाया था शुरू में, जो कि प्रॉपर वर्क है और भाई कहीं नहीं जाने वाला। इस पर लटक जाओ, झूल जाओ, इस पर पैर रख लो, कुछ नहीं जाता इसका। और आपका जैसे कि डिज़ाइनिंग से पता चल रहा है आपका फेरिंग वगैरह सेफ है, लुक भी कहीं ना कहीं देखो बढ़ ही रहा है इसका। इस साइड से भी देख सकते हो आप, इस साइड से भी दिखाओ एक बार। ब्लैक कलर तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है। कैसा लगा भाई? सही लग रहा है? अरे जबरदस्त लग रहा है भाई। अगर अपनी 10 आर्मी में यही लगवाऊंगा। इस चीज़ का फायदा है बॉडी भी नहीं टूटेगी, बहुत ज़्यादा भार है। हाँ ये चीज़ तो रहती है, देखो ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है। बाकी ये स्लाइडर जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं वो कलर इसके चेंज करा सकते हैं। ब्लैक का थोड़ा ये बचा देगा, लीवर गार्ड बचा लेता है। हाँ तो ये हो गया। अब रेडिएटर गार्ड पे आते हैं जो कि अंदर की साइड में आप देखोगे, ये देखो। तो ये रेडिएटर ग्रिल हो गई। रेडिएटर ऐसा सेंसिटिव पार्ट होता है, मान लो जैसे बाइक चल रही है, कोई पत्थर वगैरह उछल कर रहा है, टूट सकता है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए रेडिएटर ग्रिल जो कि मेटल की होती है तो बहुत ज़रूरी है। और बाकी आप लोगों की चॉइस पर डिपेंड करता है, काफ़ी लोग नहीं भी लगवाते लेकिन लगाना चाहिए जो कि एक बात है। और बाकी आप एलईडी बल्ब की बात करूँ तो यहाँ पर भी अगर इसको ऑन करके दिखाओ, तो एलईडी बल्ब इंडिकेटर चेंज नहीं किया क्योंकि इंडिकेटर इसके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छे लग रहे हैं। तो उसके सिर्फ एलईडी बल्ब लगा रखे हैं, फोकस इंडिकेटर ओरिजिनली है। बाकी इसमें गाइस एक टायर हैगर की कमी है, वो कभी फिर नेक्स्ट टाइम लगेगा क्योंकि टायर हैगर लगाना जरूरी इसलिए होता है, देखो मिट्टी वगैरह जगह पर काफ़ी ज़्यादा होल्ड है। तो उसकी जो है सेफ्टी के लिए, क्योंकि एक टाइम में ऐसा हो जाता है बाइक बहुत ज़्यादा पुरानी लगती है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें टायर हैगर लगवाओ। भले ही आप इसको जो है एक सीज़न के हिसाब से लगवा लो, जैसे बरसातें वगैरह हैं तो आप लगवा लो, बाकी इसको हटा भी सकते हो आप। और बैक ऑयल कैप भी लगा लेंगे इसके ऊपर, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वो एक चीज़ होती है। बाकी इसमें सारी चीज़ें कवर कर ही चुका हूँ दोस्तों मैं, बाकी भाई से मिलवाता हूँ। भैया की बाइक है, एक बार बताएंगे क्या क्या चीज़ें इसमें कराई हैं, क्या आने वाले टाइम में कराने वाले हैं और काम कैसा लगा? काम तो वैसे भैया का बहुत सही है और बाकी तो अच्छे से भी हुआ है, फिट एंड फिनिश भी अच्छी है। और अभी तो मेरी गाड़ी बाइक तो 1000 अभी चली भी नहीं है, तो इसलिए 1000 किलोमीटर जैसे नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा इसका? नेक्स्ट प्रोसेस का एग्जॉस्ट चेंज करना है, एग्जॉस्ट टायर अगर एग्जॉस्ट है और सीट कवर जरूर करवाना। सीट कवर रह गया है बट मेरे को ये सही लग रही है इसलिए मैंने बोला कि ठीक है। अभी यार नई बाइक है वैसे ही, देखो जो बाइक है ना नॉर्मली इतनी ज्यादा खूबसूरत है, जब कभी आप इससे बोर हो जाओ तो एक ऑप्शन होता है आप लोगों के पास मॉडिफिकेशन कराने का। करेक्ट एक हमारे ऑप्शन है, जब सब कुछ एक ही बार में हो जाएगा तो फिर कुछ न्यू नहीं रहेगा। नेक्स्ट मेरे हिसाब से इसमें बबल वाइजर, एक टैनर स्टाइल वाले मिरर और एक एग्जॉस्ट और टायर अगर, दैट्स इट। उसके बाद तुम्हारी जो मॉडिफिकेशन हो जाती है कंप्लीट। काम कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मस्ट विजिट। ऐसे झूठ बोल रहा है? नहीं सही में झूठ बोला तो मैं आया क्यों? हाँ भाई साहब बताओ। जबरदस्त है, बंदे बढ़िया है। चलो भाई आपका भी चैनल है कोई? आपने बताया था मुझे। आपका मेरा भी चैनल है, पता आपने चैनल विशाल राय के नाम से, विशाल राय के नाम से इनका चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल ये तो छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों से शेयर करी। बाकी अगर आप इस तरह की काम कराना चाहते हो तो आ सकते हो दिल्ली करोल बाग नाईवाला मार्केट में SKD पर, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा या फिर अबाउट बॉक्स में जाकर भी देख सकते हो आप। तो मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।